Good morning everyone. So in the last class we have already started chapter 8, that is reach for the top, and we were knowing about the life story of Santosh Yadav, who was the youngest woman to climb on the Mount Everest twice. Jo do bar Mount Everest chadi thi twice ka, and we were getting to know that हाउ शी स्ट्रगल इन हर लाइफ टू गेट देयर. उसने कितना स्ट्रगल किया वहां जाने के लिए, राइट. सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम पेज 101, पैराग्राफ सेवन से स्टार्ट करेंगे. देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एक्सपेडिशन एवरी ईयर. उसके बाद वो डेली एक्सपेडिशन पे जाने लगी, हर साल जाने लगी. एंड हर क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर रैपिडली, और धीरे धीरे जो उसकी क्लाइंबिंग स्किल्स थी, चढ़ने की जो स्किल्स थी, वो और भी ज्यादा मैच्योर होती गई. ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंट टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड. और उसने जो कोल्ड और एल्टीट्यूड जो हाई एरियाज होते हैं, कोल्ड यानी ऊपर ठंड में, और एल्टीट्यूड मतलब थोड़ी ऊंचाई पर जाने के लिए, उसने अपनी जो क्या थी रेजिस्टेंट डेवलप कर ली थी कि हर कोई वहां पर जाकर इजीली सेटल नहीं हो पाता. तो उसी तरीके से उसने जाके अपनी बॉडी को वैसा ही बना लिया था. इक्विप्ड विथ एन आयरन विल, उसके अंदर लोहे जैसी शक्ति थी, मतलब लोहे जैसी इच्छा शक्ति थी उसके अंदर. फिजिकल एंड्यूरेंस, जो उसकी एंड्यूरेंस थी, फिजिकैलिटी थी, वो बहुत ही फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग थी. And an amazing mental toughness, and she was mentally very tough. She proved herself repeatedly, और उसने अपने आप को बार बार प्रूव कर दिया. The culmination of her hard work, जो represent था, reward था उसकी hard work का, and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravali mountaineers if she could join them. उसकी जो चढ़ाई थी, या जो कहेंगे उसकी दक्षता, जो स्किल थी, उसको पहचान कब मिली, जब उसने अरावली जाने वाले माउंटेनियर्स को शी आस्क देम इफ शी कुड ज्वाइन देम, कि उसने पूछा कि क्या भी मैं आपको भी ज्वाइन कर सकती हूँ. एट बेअर्ली 20 ईयर्स ऑफ एज, सिर्फ 20 साल की उम्र में संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, और वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई थी, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट. मैंने अभी आपको बताया, शी वॉज द यंगेस्ट वुमेन टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट. इफ हर क्लाइंबिंग स्किल, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिजायर टू वर्क टूगेदर विद देम found her a place in the hearts of fellow climber top. And we were knowing about the life story of Santosh Yadav, who was the youngest woman to climb on the Mount Everest twice, jo do bar Mount Everest chadi thi twice ka. And we were getting to know that how she struggled in her life to get there. Usne kitna struggle kiya wahan jaane ke liye, right. So today we are going to continue from page 101, paragraph 7 से start करेंगे. Thereafter, Santosh went on expedition every year. उसके बाद वो daily expedition पे जाने लगी, हर साल जाने लगी. And her climbing skill matured rapidly, और धीरे धीरे जो उसकी climbing skills थी, चढ़ने की जो skills थी, वो और भी ज्यादा mature होती गई. ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंट टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड. और उसने जो कोल्ड और एल्टीट्यूड जो हाई एरियाज होते हैं, कोल्ड यानी ऊपर ठंड में, और एल्टीट्यूड मतलब थोड़ी ऊंचाई पर जाने के लिए, उसने अपनी जो क्या थी रेजिस्टेंट डेवलप कर ली थी कि हर कोई वहां पर जाकर इजिली सेटल नहीं हो पाता. तो उसी तरीके से उसने जाके अपनी बॉडी को वैसा ही बना लिया था. इक्विप्ड विथ एन आयरन विल, उसके अंदर लोहे जैसी शक्ति थी, मतलब लोहे जैसी इच्छा शक्ति थी उसके अंदर. फिजिकल एंड्यूरेंस, जो उसकी एंड्यूरेंस थी, फिजिकैलिटी थी, वो बहुत ही फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग थी. एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, एंड शी वॉज मेंटली वेरी टफ. शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली, और उसने अपने आप को बार बार प्रूव कर दिया. द culmination ऑफ हर हार्ड वर्क, जो रिप्रेजेंट था, रिवॉर्ड था उसकी हार्ड वर्क का.
एंड सिंसियरिटी केम इन 1992 जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शायली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स इफ शी कुड ज्वाइन देम। उसकी जो चढ़ाई थी या जो कहेंगे उसकी दक्षता जो स्किल थी उसको पहचान कब मिली, जब उसने अरावली जाने वाले माउंटेनियर्स को शी आस्क देम इफ शी कुड ज्वाइन देम, कि उसने पूछा कि क्या भी मैं आपको भी ज्वाइन कर सकती हूँ। एट बेअर्ली 20 years ऑफ एज, सिर्फ 20 साल की उम्र में संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट और वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई थी, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। मैंने अभी आपको बताया शी वॉज द यंगेस्ट वुमेन टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिजायर टू वर्क टूगेदर विद देम फाउंड हर अ प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर्स। मतलब शी वॉज वेरी नीड इन इज शी वॉज वेरी डीपली नीन इन हिज वर्क। वो बहुत ही ज्यादा दक्ष थी अपने काम में और उसने अपने सीनियर्स के दिलों में भी एक जगह बना ली थी। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, 1992 में जो एवरेस्ट मिशन हुआ, संतोष यादव प्रोवाइड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु वॉज डाइंग एट साउथ कॉर्नर। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली इन 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड 1992 में जो स्पेशल मिशन हुआ उसमें संतोष यादव ने स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ कॉल, जो जहां पर उसने एक ऐसे इंसान की मदद की जिसको हेल्प की जरूरत थी। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, बट शी वॉज नॉट सक्सेसफुल इन सेविंग हिम। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, बट उसने अनदर एक और क्लाइंबर था उसे मैनेज कर लिया, मोहन सिंह, हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट हैड नॉट शी शेयर्ड हर ऑक्सीजन विथ हिम। अगर वो अपना ऑक्सीजन मोहन सिंह के साथ शेयर नहीं करती तो एट द सेम टाइम उनकी भी क्या हो जाती, डेथ वही हो जाती। Within 12 मंथ, 12 महीने के अंदर संतोष फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज विमेन एक्सपेडिशन दैट इनवाइटेड हर टू ज्वाइन देम। और 12 महीने के अंदर अंदर ही उसने ये पाया कि उसे इनवाइट आया कहां से, इंडो नेपालीज विमेन एक्सपेडिशन दैट उन्होंने उनको इनवाइट दिया, एक चढ़ाई का जो ग्रुप होता है उसे एक्सपेडिशन बोला जाता है और उन्होंने उसको इन्वाइट किया टू ज्वाइन हर। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, और फिर उनके साथ उसने एवरेस्ट को दोबारा चढ़ा। पहले तो वो अपने आप गई थी अरावली माउंटेनियर्स के साथ, नाउ सेकेंड वो गई थी इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपेडिशन के साथ। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम दस सेटिंग अ रिकॉर्ड एट ओनली अ वुमेन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस, और वो पहली ऐसी वुमेन बन गई जिसने एवरेस्ट को दो बार चढ़ाई करी थी। And securing for herself and India a unique place in annals of mountaineers, और उसने अपनी ही एक पहचान बनाई, अपनी ना कि अपनी ही पहचान बनाई बल्कि अपने देश की भी एक अलग से पहचान बनाई। In recognition of her achievement, the Indian government bestowed upon her one of the nation top honors, the Padma Shri. और फिर उसके बाद जो highest award है हमारे यहाँ का पद्मश्री, उससे उसको क्या गया नवाजा गया। Describing her feelings when she was literally on the top of the world, जब वो अपनी feelings को बता रही थी when she was on the top of the world because she has climbed the mountain twice, Mount Everest twice. संतोष हैड सेड, संतोष ने कहा, इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मूवमेंट टू सिंक इन। उसने कहा कि एनॉर्मिटी ऑफ द एवरी मूवमेंट, ये बहुत ही बड़ा मूवमेंट होता है जिसके अंदर मैं क्या कर जाऊं, इट इज नॉट इजिली अंडरस्टेबल कि हाउ आई एम फीलिंग टूडे, मैं किस तरीके का फील कर रही हूं। देन आई अनफोल्ड द इंडियन ट्राइकलर, और उसके बाद उसने अपना अनफोल्ड मतलब फहराया हमारा जो झंडा था, and held it aloft on the roof of the world, और उसने roof of the world पर लगाया उसे। The feeling is indescribable, और ये जो feeling है वो undescribable है, बयान नहीं की जा सकती शब्दों में। The Indian flag was flying on the top of the world, Indian flag जो fly कर रहा था top of the world पर।
माउंट एवरेस्ट पर, इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मूवमेंट, मेरे लिए बहुत ही अध्यात्म से जुड़ा हुआ मूवमेंट था. आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, शी वॉज फीलिंग वेरी प्राउड एज एन इंडियन. Also a fervent environmentalist, Santosh collected and brought down 50 kilograms of garbage from the Himalayas. और अपने ही मतलब अपने साथ साथ चढ़ाई के साथ साथ उसने वहां पे एनवायरमेंट को भी क्लीन किया और 500 किलोग्राम वो वहां से क्या लेकर आई, गार्बेज भी उसने वहां पर कलेक्ट किया. शी कलेक्टेड द गार्बेज देन एंड देयर ओनली ऑल्सो. सो फाइन, वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर. Now the question and answers, thinking about the text. Answer these question in one or two lines each. आपको नीचे जो question दिए गए, you have to answer them in one or two sentences. एक या दो sentences में उनको explain करना है. Why was the holy man who gave Santosh mother his blessing surprised? क्यों थी संतोष की mother surprised? Because her grandmother, वो जो होली मैन आया था उसकी ग्रैंड मदर को उसने क्या कहा था ग्रैंड मदर ने, कि उन्हें बेटा नहीं चाहिए, शी वॉन्टेड अ डॉटर फॉर हर डॉटर इन लॉ. राइट, गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट इवन एज अ यंग गर्ल संतोष वॉज रेडी टू रेडी एक्सेप्ट एनी अनरीजनेबल. जो उसने स्कूल के लिए फाइट किया वो आपको इस पैराग्राफ में आंसर लिखना है. वाई वॉज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल, बिकॉज हिज फादर वॉज नॉट अफोर्डिंग द स्कूल. Why did she leave home for Delhi and why? उसने दिल्ली के लिए home for his higher education because she wanted to achieve more in his life, her life. Fifth question is, why did Santosh parents agree to pay for her schooling in Delhi? What mental qualities of Santosh are brought into light by the incidents? जो ये नंबर ऑफ पैराग्राफ दिए हुए हैं, मतलब फोर्थ पैराग्राफ में इसको यहाँ पे जो ब्रैकेट में आपको जो नंबर लिखा हुआ है, दैट मींस आपको इस पैराग्राफ में इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा. तो दिस आंसर इज इन फोर्थ पैराग्राफ. उसमें ये बताया गया है जब उसने अपने पेरेंट को कहा कि आई वॉन्ट टू वर्क, अगर आप मेरी फी पे नहीं करेंगे आई विल वर्क, तो उसके पेरेंट्स ने क्या किया, शी दे डिनाइड एंड दे अग्रीड टू दी पेइंग फॉर हर स्कूल फी. Now answer each of the following questions in a short paragraph. This will be done by yourself. So this is all for today. Thank you.